शेरनी बन लौटी झनक अनिरुद्ध से मांगा अपना हक। जी हाँ, यही होने वाला है टीवी सीरियल झनक के आने वाले एपिसोड में। आप सब जान ही रहे हैं कि शो की कहानी अचानक से बदल गई है, पूरी तरीके से पलट गई है शो की कहानी, जिसमें दिखाया जा रहा है कि झनक हो चुकी है प्रेग्नेंट और वो किसी और के नहीं बल्कि अनिरुद्ध के बच्चे की माँ बनने वाली है। हालांकि इस बात से अनिरुद्ध बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रख रहा है और वो झनक को हमेशा की तरह ब्लेम गेम कर रहा है और वो बार बार उससे यही कहने पर मजबूर कर रहा है कि यह बच्चा अनिरुद्ध का नहीं बल्कि किसी और का है। अनिरुद्ध के मुंह से यह सारी बकवास सुनकर झनक को आ जाता है गुस्सा और वो क्या करेगी आगे आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हो और वीडियो को लाइक शेयर तो करेंगे ही, साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं फॉर मोर एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग अपडेट। तो भाई झनक जो कि लौट आई है अपने सपनों को छोड़कर, अपनी दुनिया छोड़कर, अपने ख्वाब छोड़कर, अपनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी झनक अब बोस हाउस लौट आई है अपने होने वाले बच्चे का हक दिलाने की खातिर। जी हाँ, शो के अपकमिंग एपिसोड में ऐसा ही कुछ आपको नज़र आने वाला है। दरअसल झनक बोस हाउस लौट आई है और बोस हाउस लौटने के बाद वो कर रही है अनिरुद्ध से अपने होने वाले बच्चे को एक्सेप्ट करने की गुजारिश। हालाँकि अनिरुद्ध के साथ साथ घर वाले जैसे ही झनक को बोस हाउस में एंट्री करता देखते हैं उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हर बार की तरह वो इस बार भी झनक को वहाँ से दूर चले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन झनक इस बार लौटी है तो शेरनी बनकर वो ना सिर्फ अपना हक मांगेगी बल्कि अपने हक के लिए, अपने बच्चे के लिए लड़ाई भी करती हुई नज़र आएगी। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिरुद्ध जब झनक को अपनाने से मना कर देगा तब झनक का गुस्सा फूटने वाला है और वो अनिरुद्ध से कहने वाली है ऐसी तीखे बातें जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अनिरुद्ध को सबक सिखाते हुए झनक ये कहने वाली है कि आपका क्या मतलब है, आप अमीर हैं तो कुछ भी करके निकल जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आपको, मुझे और मेरे बच्चे को अपना नाम, अपना पैसा और हमें यहाँ रहने का हक देना ही होगा, क्योंकि उसके बिना मैं कहीं भी हिलने नहीं वाली हूँ। और यही होगा शो की कहानी में आगे, जिसमें आप देखेंगे कि जो झनक है वो इस बार बोस हाउस में रहने वाली है, वो भी पूरी चौड़ के साथ, नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन बनकर, अपने होने वाले बच्चे की माँ की हैसियत बनकर। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या अनिरुद्ध झनक को एक्सेप्ट करेगा और क्या वो ये बात मानेगा कि ये जो बच्चा है वो किसी और का नहीं बल्कि उसी का है। क्या लगता है आपको, कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।